अखिल भारतीय व्यापार मंडल की इकाई ने एसडीएम को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और व्यापारी नेता पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ललितपुर नरेंद्र सोलंकी के विरुद्ध लिखे गए मुकदमे वापस लेने के संबंध में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल इकाई मंडावरा द्वारा उप जिलाधिकारी मंडावरा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि जानकारी प्राप्त हुई है कि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कड़की के विरुद्ध प्रेम शंकर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने कोतवाली ललितपुर में तहरीर देकर बताया कि नरेंद्र कड़की ने 12 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे अटा मंदिर चौराही के सामने उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है और घंटा घर अनशन पर बैठ गया। कोतवाली प्रभारी ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए जाँच प्रारंभ कर दी, लेकिन व्यापार मंडल ने जानकारी दी तो पाया कि यह मुकदमा षड्यंत्र पूर्वक झूठा लिखाया गया है, क्योंकि नरेंद्र कड़की उस दिन मुंबई में अपना और अपनी पुत्री का इलाज कराने गए थे। उनके पास रेलवे टिकट और मुंबई अस्पताल इलाज की जांच के पुख्ता साक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल इकाई मडावरा ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंप कर लिखाए गए षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे को वापस करने की बात कही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल इकाई अध्यक्ष अभिनंदन जैन उर्फ अब्बू चौधरी, महामंत्री मनीष रावत, युवा अध्यक्ष अविनाश जैन, विक्की राजेंद्र आदि व्यापारी मौजूद रहे। वीरेंद्र सिंह सेंगर, ललितपुर, समाचार 24। आज जो ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया, क्या मामला है? हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र कड़ंकी जी के जो फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, चूँकि वो ललितपुर में उपलब्ध भी नहीं थे, उसके बाद भी उन पे सरासर फर्जी और षड्यंत्र करके जो मुकदमे लिखाए गए हैं उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उचित जांच की जाए और सही कार्रवाई जो दोषी लोग हैं और जो इस प्रकार की षड्यंत्र बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ललितपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री भाई नरेंद्र कुमार जी जैन कड़ंकी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये सब बेबुनियाद हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो उस समय ललितपुर में मौजूद भी नहीं थे जिस समय मुकदमा लिखा गया। जो घटना बता रहे हैं उनके साथ हम लोग सब व्यापारी इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए हैं, पंजीकृत किए गए हैं, उनको निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी